हाय वेलकम टू जरिक पेट एसोसिएशन, माय नेम इज निशान। दोस्तों जब भी आप पपी लेना चाहते हैं या पपी घर पे लाते हैं, उससे पहले कुछ हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं जो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसा भी नौबत आ सकता है कि आपको पपी लेके फिर से मतलब किसी को देना पड़े, या जहाँ से खरीदे जहाँ से एडॉप्शन के उसको आपको रिटर्न करना पड़े। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट थिंग जो होता है जब भी आप पपी ले तो मेंटली प्रिपेयर रहे। अगर फर्स्ट टाइम ओनर है, फर्स्ट टाइम के लिए कोई पपी ले रहे तो आप मेंटली प्रिपेयर होके रहिए कि रात को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाएगा पपी फॉर नेक्स्ट 7 डेज़ टू 10 डेज़। मतलब 7 डेज़ टू 10 डेज़ तक अगर पपी आपके पास आए फर्स्ट एकदम नए नए अगर आप रख रहे पपी, तो जब भी वो अपनी माँ से मतलब सेपरेट होगा, जो जहाँ पे रह रहा है उधर से दूसरा जगह पे शिफ्ट होगा, तो रात को सिलाना काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल है। बहुत लोग क्या करते हैं, भूख लगा होगा उसको, प्यास लगा होगा तो पानी पिला देता है, दूध पिला देता है, पेडिग्री वगैरह खाना वगैरह दे देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दिन में खाना पीना आप लोग ठीक तरह से दे रहे तो रात को वो चिल्लाएगा ही, क्योंकि थोड़ा बहुत उसको एंजाइटी भी होता है नया जगह पे, या थोड़ा नर्वसनेस भी होता है, थोड़ा डर भी लगता है। और अगर इससे आपको बचना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अगर क्रेज़ है डॉग का रखने का, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके सामने रख सकते हैं, या केस पे हो, कहीं भी हो, आपको बेड पे या जो भी उसके लिए आपने सेटअप बनाया है पपी रखने के लिए, आपके सामने रखिए, आपको देखता रहेगा। और रात को भी अगर आप सोएंगे, आपके सामने रखेंगे, आपकी बेड के नीचे रखेंगे, तो वो देखेगा कि कोई है कि नहीं, तो वो आराम से सो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप अलग जगह पर रखेंगे, जैसे गार्ड डॉग वगैरह रख रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं रोड वाले जमन से जैसे को बेलकोनी में रख देता है, कॉरिडोर में रख देता है, तो ऐसा मत करें, थोड़ा सा अपना पास में रखें। अगर दूर रहेगा, आसपास कोई आदमी कोई मतलब नहीं रहेगा, तो वो उसको उसका चिल्लाना या 100% चिल्लाएगा वो एक नॉर्मल साइन है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, और कैसे उसका सोल्यूशन है वो भी मैंने बोल दिया। और नेक्स्ट दोस्तों, जब भी आप पपी ले, और आप तो खाना तो अच्छा देंगे ही, पेट शॉप से ही खाना ले, होम फूड या घर पे बनाया गया चीज़ों को स्टार्टिंग में मत दे। आप पेडिग्री वगैरह रखिए, रॉयल कैनन वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ नॉर्मल कुछ मतलब मेडिसिन वगैरह भी आपको रखना है, जैसे ORS वगैरह रखना है कि टाइम टू टाइम आप उसको मतलब जब अर्जेंसी हो खिला सके। लीवर का, पेट का, जैसे O2 वगैरह जो बच्चे का आता है वो भी रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज मिसहैंडलिंग या मतलब सही जानकारी नहीं होने के कारण कोई कोई ब्रीड के साथ क्या होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत लोग ज़्यादा खिला देते हैं या कुछ इधर उधर का चीज़ें खा लेते हैं, तो पेट थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए अर्जेंसी में O2 रखना, जो बच्चे का O2 होता है ना, ये जो फोटो में देख रहे हैं, वो रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि रात को या कहीं भी मतलब कुछ मतलब वोमिटिंग वगैरह हो गया, लूज मोशन हो गया, तो उसको आप हाथों हाथ दे सकते हैं और इंस्टेंटली वो ठीक हो जाएगा, तो वो रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों, डॉग के हिसाब से, ब्रीड के हिसाब से एक सही साइज़ का केज रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब भी आप डॉग रखें या कोई भी ब्रीड रखें, क्योंकि अर्जेंसी में जब भी आपको साफ़ सफाई करना है, कहीं पर जाना है, तो उस कहीं पे रखने के लिए या केस में रखने के लिए केस का आदत देना बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखें, जब भी डॉग लाए या ले या पपी ले, उससे पहले उसका साइज़ का या तो उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का केस है हमेशा रेडी रखें। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबके लिए, खाली जो डॉग रख रहे उसके लिए नहीं, घर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कि मेंटली प्रिपेयर होना। आप जैसे डॉग रखोगे, आप जैसे मेंटली प्रिपेयर हो, तो साथ में सेम आपके घर के जो मेंबर्स हो, है आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन, आपकी वाइफ, दादी, सबको मेंटली प्रिपेयर होके रखना है कि घर घर में डॉग आ रहा है, घर थोड़ा सा गंदा होगा, थोड़ा सा जूटा वूटा का ख़राब करेगा, कपड़ा वपड़ा काटेगा, और थोड़ा बहुत चिल्लाना सिल्लनी शुरू करेगा, सुबह थोड़ा सा लोगों को डिस्टर्ब करेगा, तो वो मेंटली प्रिपेयर होके रखिए। हफ्ता 10 दिन अगर एडजस्ट कर पाएंगे घर वाले या सब लोग, तो बहुत अच्छी तरीके से होल लाइफ आप तो 12-14 ईयर्स ये डॉग बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ एज ए कंपेनियन रहेगा, एज ए फैमिली मेम्बर रहेगा। बट लाने से पहले जो भी देख रहे हो, जो भी लाना चाहते हैं, घर वालों को कॉन्विंस करना या मेंटली प्रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ बाद में क्या होता है, घर वाला कोई बाहर नहीं जाएगा,
अल्टीमेटली जो बाहर जाएगा डॉग ही जाएगा, अगर सही तरीके से नहीं रहा, लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रहा, तो अगर आप रखना नहीं जानते तो हमेशा ध्यान रखें। बाकी सब तो चीज़ तो पैसा देंगे हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, बट लोगों का मेंटेलिटी और जिसके साथ रख रहे हो उसका मेंटेलिटी सेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो भी मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, तभी जाके एक डॉग बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी तरीके से घर में रहता है एज ए फैमिली मेम्बर।